हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिव्यू ऑफ नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में, आगे हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ लाइक दैट एक्जियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, जनरलाइज एडिशन थ्योरम एंड बूल्स इनइक्वालिटी। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलते हैं फिर बोर्ड की ओर। आर्टिकल नंबर 2, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेट एस बी अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने लेट किया कि एस क्या एक हमारा सैंपल स्पेस है और ये कहाँ से आया, जब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या, जैसे कि हमने एक डाइस को थ्रो किया रैंडमली तो हमारे जो एलिमेंट्स आए वो आए 1, 2, 6। अगर हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, सैंपल स्पेस। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस, ये जो साइन बना है, ये जो हमने यू को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट किया, नीचे एक लाइन लगा दी है, इसको हम क्या बोलते हैं साइन को, सबसेट। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस, यहाँ पर जो एस है ये डिनोट कर रहा है सैम्पल स्पेस को। और मैंने आपको कल बताया था कि एस क्या होता है, मतलब कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है। और जो सबसेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस, जो सबसेट होता है वो एक इवेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ ए इज़ अ इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस एस, देन पी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन एंड पी ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ़ द फॉलोइंग एग्जियम्स आर सेटिस्फाइड। तो ये जो P है ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। अगर ये कंडीशन होगी कि A इज़ अ इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस S, तो क्या होगा, P हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, और पी ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। और ये तब सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये तब बनेगा, ये पी ए तब बनेगा, तब एग्जिस्ट करेगा जब ये नीचे वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एग्जियम्स। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, या कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्सियम है, वो क्या है, पी ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और उसके इक्वल होना चाहिए, या फिर पी ए लेस देन एंड इक्वल टू वन, वन से छोटा होना चाहिए पी ए, या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा ये बन जाता है कि पी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, आई एम सॉरी, वन। सेकेंड जो हमारा एग्जियम है, एग्जियम ऑफ सर्टेनिटी, पी एस इज इक्वल टू वन, मतलब ये जो सैम्पल स्पेस है एस, इसका हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस एस, और ये हमारा वन के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा जो पी ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। थर्ड जो हमारा एक्सियम है, एक्सियम ऑफ एडिटिविटी, इफ़ ए एन इज एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस देन, ए एन ये क्या हमारे यहाँ पर एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ए एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, इवेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए एन हमारा क्या है, एन नंबर ऑफ, मतलब एन हमारा इवेंट है, एक एन नंबर ऑफ इवेंट है, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस में है। देन पी ये क्या है, यूनियन का साइन है यू, और I इज इक्वल टू 1, 2, n, A I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1, n, P, A, I। तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी। ये जो साइन है बड़ा सा U का, ये क्या है, यूनियन है। तो आपको मैं अब आगे बताता हूँ कि ये सबसेट होता क्या है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है सबसेट। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताता हूँ। और ये जो तीन कंडीशंस हैं, ये जो थ्री एग्जियम्स हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लें, क्योंकि आगे ये यूज़ होगा। पी ए तभी एक इवेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि पी ए एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तभी होगा जब ये नीचे वाली तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है।
नाउ स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स ली हैं, इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है ए, इसमें जो हमारे एलिमेंट हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5। और जो सेकेंड सेट है बी, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3। बी एक छोटा सेट है और ए एक बड़ा सेट है, लेकिन जो बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 वो ए सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मौजूद हैं। तो ये क्या है, 1, 2, 3 एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट क्या होता है, एक छोटा सेट होता है, तो बी ए का एक छोटा सेट है। इसका साइन क्या होता है कि यू, हमको थोड़ा रोटेट करके, यू को रोटेट करके 90 डिग्री नीचे एक लाइन लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ही प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब यहाँ पर जब हम प्रॉपर सबसेट का साइन क्या होता है कि नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, इतनी बात हो गई। अब हम करते हैं दूसरी एग्जांपल, फिर हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर जो A है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, A एक सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 4, 5, 6। सिमिलरली B एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है वो है 4, 5, 6। दोनों सेट सेम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि B इज अ सबसेट ऑफ A, या फिर ये भी कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन जो पहली कंडीशन है हम इसको लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी यही कंडीशन ली है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि B A का प्रॉपर सबसेट है, तो B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये ऐसा क्यों हुआ, प्रॉपर सबसेट की एक कंडीशन होती है कि जो B है, या फिर हम कह सकते हैं B एक छोटा सेट है और A एक बड़ा सेट है, तो जो बड़ा सेट है उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट B, जो B सेट है हमारा, उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक ऐसा एलिमेंट हो A सेट के अंदर जो B के अंदर ना हो। यहाँ पर जैसे कि A के अंदर 4 और 5 प्रेजेंट है, 4 और 5 प्रेजेंट है जो B के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। लेकिन यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, जो B है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है 4, 5, 6, और A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है 4, 5, 6। तो A के अंदर ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो B के अंदर नहीं है, मतलब A के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो B के अंदर नहीं है। तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे यहाँ पर 4, 5 था, यहाँ पर नहीं है, तो हम कहेंगे B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। लेकिन B सबसेट ऑफ A होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा क्या है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये हमने पढ़ा यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आर्टिकल नंबर 3, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टी जो 1 है उसकी क्या है, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू द क्लास सी ऑफ द इवेंट्स, पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA, और पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस PA बार। तो ये हमने प्रूफ करना है, ओके। ए हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है क्लास सी ऑफ द इवेंट्स से, ओके। तो इसका प्रूफ क्या होगा स्टूडेंट, हम वो देखते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हमने लेट कर लिया कि एस एक सैंपल स्पेस है। सिंस यहां पर जो इवेंट हमें गिवन है वो है ए एंड ए बार, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए बार इज इक्वल टू 5, मतलब ए और ए बार में कोई कॉमन नहीं होगा, ये दो इवेंट हैं, ओके। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इनके दरमियान। और एंड ए एंड ए बार इज अ सबसेट, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। ए और ए बार क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस है। अगर हम ए और ए बार को इसका यूनियन करेंगे, जोड़ेंगे, एक साथ रखेंगे, तो हमारा क्या बनता है, एस। देयरफोर एस इज इक्वल टू ए यूनियन ए बार, ओके। क्योंकि जो ए के अंदर एलिमेंट है और जो ए बार के अंदर एलिमेंट है, जब हम दोनों को एक साथ रखेंगे, मिलाएंगे, तो हमारा क्या बनता है, एस। इसका हम करेंगे प्रोबेबिलिटी बोथ साइड, तो पी का साइन लगा देंगे, पी ए यूनियन ए बार। अब जो हमने
एग्जिम्स पढ़े थे, जो हमारी सेकंड एग्जिम था और जो हमारा थर्ड एग्जिम था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। जो हमारा सेकंड एग्जिम था वो क्या था, पी एस इज इक्वल टू वन, लिखेंगे वन। और जो थर्ड एग्जिम था उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी ए बार। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय सेकंड एंड थर्ड एग्जिम्स, बिकॉज पी एस इज इक्वल टू वन, एंड जो मैंने थर्ड एग्जिम कराया वो इस फॉर्म में नहीं मैंने करवाया, लेकिन उसका मीनिंग यही है। ओके, पी ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू पी ए प्लस पी ए बार। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं पी ए बार इज इक्वल टू वन माइनस पी ए, पी ए को हम यहां शिफ्ट कर देंगे तो बनेगा वन माइनस पी ए। सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कैसे, ये पी ए, पी ए को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा पी ए, और पी ए बार को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो बन जाएगा वन माइनस पी ए बार। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, एक ये कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, और ये हमने दोनों प्रूफ कर लिया। आई होप कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है ये समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट और एम्प्टी सेट इज जीरो, दैट इज पी फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो हमने ये प्रूफ करना है कि पी फाइव को जीरो के इक्वल प्रूव करना है हमने। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था कि हमने लेट कर लेना है कि लेट S be a sample space। अब हमने यहां पर एक null set लेना है जो हमें given है question में ही, phi। phi हमारा क्या है, एक null set। phi हमारा क्या है, एक null set, मतलब खाली set, null set या फिर zero set। okay student, अब हमने क्या करना है, sample space S का और फाई का करना है इंटरसेक्शन। तो ये हमारा क्या होगा, फाई होगा। मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। इसका अगर हम करते हैं स्टूडेंट यूनियन, एस यूनियन फाई, तो ये हमारा क्या होगा, एस के इक्वल होगा, सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड हमने लेना है प्रोबेबिलिटी, देयर फॉर पी इस केस में हमने लेना है प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा पी एस यूनियन फाई इज इक्वल टू पी एस। इसको हम ओपन करेंगे तो बाय एग्जाम थ्री ये हमारा क्या बन जाएगा, पी एस प्लस पी फाइव इज इक्वल टू पी एस, या लिखेंगे बाय एग्जाम थ्री। ओके, अब जो पी एस की वैल्यू पुट करेंगे बाय एग्जाम टू, तो पी एस की जो वैल्यू है वो वन होती है, पी एस इज इक्वल टू वन। P5 को लिखेंगे एज इट इज इक्वल टू वन, या लिखेंगे बाय एक्सियम टू। नाउ स्टूडेंट P5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और P1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा वन माइनस वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जीरो, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको जो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दैट इज ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ एस, देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने से पहले हमें ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड जो सेकेंड फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने यही जो दो फॉर्मूले हैं इनको ऐड करना है,
P A bar intersection B plus P A intersection B bar, उसमें इसकी जो वैल्यूज है हम वो पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट फॉर्मूले की वैल्यू प्लस, बीच में प्लस है, अब सेकंड फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी, किसके इक्वल है वो, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए और पी बी, इसको लिख लेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा स्टूडेंट कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार, अब यहां पर जो हमारे दो है ना ये माइनस पी ए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें से एक को हम इस साइड भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा प्लस का, तो यहां रखेंगे माइनस हम माइनस, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें पता है बिकॉज ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये एक फॉर्मूला है, ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो यहाँ पर यही है, देखें जो पी के अंदर क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बार एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा क्या बन जाए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपने ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी, ओके। और राइट हैंड साइड में यही रहेगा हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो यही हमने एक्चुअली प्रूव करना था, साथ में इसके दो कोर हैं हम वो भी करते हैं, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारा रिजल्ट ये आया था, अब हमने करना है कोर वन। कोर वन क्या है, इफ A and B are mutually exclusive events, A और हमारे B क्या है mutually exclusive events, then A intersection B, ये हमारा क्या होगा phi, इसका हम करेंगे probability, therefore P A intersection B is equal to P phi and P phi किसके इक्वल होता है जीरो के, तो ये इससे हमारा क्या बन गया स्टूडेंट कि P A intersection B is equal to जीरो, तो जो हमारा रिजल्ट है ये क्या बन गया हमारा, therefore result becomes P A union B is equal to पी ए प्लस पी बी, और यहां पर हम अगर जीरो पुट कर देंगे तो ये इतना रहेगा, और ये हमारा क्या है जो हमारा थर्ड एग्जियम था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं कोर टू। स्टूडेंट कोर टू, व्हेन ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो तब हमने इस कंडीशन को प्रूव करना है, तो इसको हम करते हैं। इसका जो प्रूफ करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें कंडीशन गिवन है स्टूडेंट और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है देयरफॉर पी ए
यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं पी क्लोज ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने बी और सी को अलग कर लिया, अब हम यहाँ पर यूनियन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। यूनियन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है वो है ए, और यूनियन के जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है वो है बी यूनियन सी। इस पे हम लगाएंगे यूनियन का फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा पी ए प्लस पी बी यूनियन सी माइनस पी क्लोज ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब हमने अगेन यूनियन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, और वो हम अप्लाई करेंगे यहां पर। सो पी ए एज इट इज पी बी यूनियन सी, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। और इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके बच्चों, यहां तक हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अगेन यूनियन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, तो वो हम अप्लाई करेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर ही यूनियन है, बाकी और सब में यूनियन नहीं है। तो पी ए एज इट इज पी बी एज इट इज पी सी एज इट इज माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज अब यहां पर हमने जो यूनियन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, उसको हम करते हैं। सबसे पहला है पी ए यूनियन बी, तो उसको लिखेंगे पी आई एम सॉरी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी। अब आगे हमने क्या करना है, यहां लिखते हैं पार्ट, हम जो बाकी का पार्ट है वो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पी ब्रैकेट पी क्लोज ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यहां तक हमारा हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी ए एज इट इज पी बी एज इट इज पी सी एज इट इज। अब हम लिखेंगे थोड़ा सीरियल वाइज, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिखते हैं पहले। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इसको भी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो ये हमारा बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या है देखें, यहां पर है माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अब ये बन जाएगा प्लस। और इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ये हमने देखना है, यहां पर क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो जो ये ए है ये दो बार ही आ रहा है, और इसमें लेते हैं हम कॉमन, इंटरसेक्शन के केस में हम क्या लेते हैं कॉमन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यही जो कंडीशन थी हमने प्रूव करनी थी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड, यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा स्टूडेंट। प्रॉपर्टी 8 फॉर जनरलाइज्ड
एडिशन थ्योरम। स्टेटमेंट है फॉर एनी एन इवेंट्स ए वन ए टू सो ऑन ए एन इन अ सैम्पल स्पेस वी हैव, हमारे पास एन नंबर्स ऑफ इवेंट हैं, सो हमने इस कंडीशन को प्रूव करना है। एक इसको हम रिपीट कर लेते हैं, P यूनियन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n ए आई इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n P ए आई माइनस डबल समेशन 1 लेस देन एंड इक्वल टू I लेस देन j लेस देन एंड इक्वल टू n P ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस ट्रिपल समेशन 1 लेस देन एंड इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन एंड इक्वल टू एन पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर एन माइनस 1 इंटू पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन। तो हमने इसको प्रूव करना है, इसका हम करते हैं प्रूव। इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो प्रूफ प्रूफ वी शैल प्रूव द रिजल्ट by induction on n। तो यहाँ पर हम mathematical induction apply करेंगे और वो apply करेंगे जो हमें n number of events दिए हुए हैं। okay, जहाँ पर हमारे n यहाँ पर दिख रहा है वहाँ हम induction apply करेंगे, इसको हम करते हैं। so student step 1 For n is equal to 2, जब हमने n is equal to 2 लिया मतलब हमारे 2 इवेंट्स होंगे और जो क्वेश्चंस में हमें बात की गई है वो है यूनियन, तो हमें यूनियन को ही लेके चलना है। तो यहां हम लेते हैं therefore p a 1 यूनियन a 2, क्योंकि n की जो वैल्यू हमने 2 ली है तो इसलिए हमने दो इवेंट्स लिए a1 एंड a2 और बीच में यूनियन है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो बात करी गई है वो यूनियन की बात करी गई है। इसको हम बाय प्रॉपर्टी 2 सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, p a1 प्लस p a2 माइनस p ए वन इंटरसेक्शन ए टू से इक्वेशन नंबर 1 विच इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी 2 में इसको हमने देखा है, इसको हमने प्रूफ किया है इसका। फॉर एंड लिखेंगे देयरफॉर एंड द रिजल्ट is held for n is equal to 2। so ये जो condition थी step 1 की हमने ये fulfill कर दी है। अब हम चलते हैं step 2 की ओर। now step 2, step 2 में हम let करेंगे, let क्या करेंगे, let the result, let the result is true for n is equal to r। okay, तो हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां हमने r अप्लाई कर देना है। okay, जो ये हमें कंडीशन दी गई है जहां जहां n है वहां हमने r अप्लाई कर देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा p यूनियन आर आई इज इक्वल टू 1 ए आई इज इक्वल टू
summation r I is equal to 1 p a I minus double summation 1 less than and equal to I less than j less than and equal to जहां पर n था वहां अप्लाई करेंगे r और ये हमारा बन जाएगा p a i इंटरसेक्शन a j प्लस ट्रिपल समेशन 1 लेस देन एंड इक्वल टू i लेस देन j लेस देन k लेस देन r लेस देन r लेस देन एंड इक्वल टू r और यहां हम लिखेंगे p a i इंटरसेक्शन a j इंटरसेक्शन a k ओके उसके बाद प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 n माइनस 1 था तो हम कर देंगे r r माइनस 1 इंटू p a 1 इंटरसेक्शन a 2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए आर से इक्वेशन नंबर 2 नाउ स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है अब हमने करना है स्टेप 3 टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1 अब हमने प्रूव करना है कि जो हमें गिवन रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है वो n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये हमने प्रूव करना है सो स्टूडेंट हम चलेंगे p यूनियन r प्लस 1 I is equal to 1 a I इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू p यूनियन r I is equal to 1 a I यूनियन a r प्लस 1 थोड़ा इसको हमने ओपन करके लिख लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको हम मान लेते हैं a 1 और इसको हम मान लेते हैं v 1 बीच में यूनियन है बाय यूनियन के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या बनता है इसको हम देखते हैं सो स्टूडेंट ये हमारा बनेगा P bracket union R I is equal to 1 A I plus P A R plus 1 minus P union R I is equal to 1 A I intersection A R plus 1 यहां तक हमारा बन गया अब हमने क्या करना है using equation number 2 हमने जो value है equation number 2 की हमने यहां पर fit करनी है ठीक है देखें P union R I is equal to 1 AI जो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है वो हमने इसकी जगह पर पुट करनी है ठीक है तो ये हमारा क्या बनता है इसको हम देखते हैं लिखेंगे इसको हम इज इक्वल टू समेशन r I इज इक्वल टू 1 p AI
माइनस डबल समेशन 1 आई जे आर पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस ट्रिपल समेशन 1 आई जे के आर पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के माइनस 1 आर माइनस 1 इंटू पी ए 1 इंटरसेक्शन ए 2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए आर। यहां तक हमारी वैल्यू हो गई इसकी पी यूनियन आई इज इक्वल टू 1 2 आर ए आई। अब हमने जो बाद में वैल्यू है इसको हमने लिख लेना है प्लस पी ए आर प्लस 1 माइनस पी यूनियन आर आई इज इक्वल टू 1 ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा ये सारा बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है और इसको अरेंज करना है। तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, हम देखते हैं। इज इक्वल टू, इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारा बन जाएगा आर प्लस 1 आई इज इक्वल टू 1 पी ए आई। ओके, उसके बाद जो बाकी है रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लिख लेंगे माइनस डबल समेशन 1 लेस देन एंड इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन एंड इक्वल टू आर पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे। अब ये लिखेंगे प्लस ट्रिपल समेशन 1 लेस देन एंड इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन एंड इक्वल टू आर पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के एंड इसके बाद यहां पर थोड़ा बनाना था हमने सो ऑन। ओके एंड प्लस सो ऑन माइनस 1 आर माइनस 1 इंटू पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए के। तो ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ ऐड हो गया और ये बन गया। अब हम ये लिखेंगे इसको अरेंज करके माइनस पी यूनियन आर आई इज इक्वल टू 1 ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1 को हम एक साथ लिख लेंगे ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। ओके स्टूडेंट, हमारा ये बन गया। अब हमने यहां पर जो हमें गिवन कंडीशन है वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है इस कंडीशन के ऊपर। ओके, हम वो देखते हैं। अब ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, मैं इसको आगे वाले पोर्शन में लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट आर आई इज इक्वल टू 1 पी ए आई। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने सेम लिखना है, इसके बाद हमने कुछ इसमें चेंज करना मतलब फॉर्मूला बनाना है। तो उसको हम देखते हैं, माइनस
double summation 1 less than and equal to I इसको हम लिख लेते हैं यहां से लेके यहां तक AR, अब है माइनस इसको हम बनाएंगे फॉर्मूला अब इसका यहाँ तक तो हमने लिख लिया अब जो बाकी पार्ट इसका जो बनाएंगे फॉर्मूला अब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा R I इज इक्वल टू 1 जहाँ पर AI था वहाँ पर यहाँ पर इस केस में क्या है AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1 ठीक है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर AI की जगह पर हमने ये अप्लाई करना है ठीक है ये लिखना है इसको हम करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर पी ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1 माइनस डबल समेशन 1 लेस देन आई लेस देन जे लेस देन एंड इक्वल टू आर R A I intersection A R plus 1 intersection A J अब देखें यहां पर था A I intersection A J जब केस में यहां पर only A I था तो यहां पर था A I intersection A J लेकिन इस केस में A I की जगह पर है A I intersection A R plus 1 तो पहले हम वो लिखेंगे फिर intersection A J लिखेंगे ओके यहां तक हमारा हो गया अब हम आगे क्या करेंगे प्लस ट्रिपल समेशन 1 आई इंटरसेक्शन ए 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन एंड इक्वल टू आर और ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट पी ए आई सिमिलरली जहां पर ए आई है वहां हम यूज करेंगे ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1 इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 अब जहां पर हमने जो क्वेश्चन था जो कंडीशन थी उसमें हमारा क्या था उसमें था हमारा n माइनस 1 तो यहां पर अगर n की जगह पर हम पुट करते हैं r प्लस 1 तो ये हमारा क्या बन जाएगा r प्लस 1 माइनस 1 मतलब r ठीक है माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा r और इसको हम लिखेंगे इनटू p a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन a r और इसको हम ब्रैकेट में जो ये ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी यहाँ पर हम इसको एंड कर देंगे ओके इतना हमारा हो गया अब हम करते हैं आगे सो स्टूडेंट हमारा यहाँ तक आ गया अब हमने इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट करनी है हमने कुछ कंबाइन करना है जैसे ये डबल समेशन है ये डबल और ये डबल समेशन है ये ट्रिपल समेशन है ये ट्रिपल समेशन इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा पी यूनियन आर प्लस 1 I is equal to 1 AI left hand side and right hand side is equal to summation R plus 1 I is equal to 1 P
ए आई माइनस डबल समेशन वन लेस देन आई लेस देन एंड इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन एंड इक्वल टू आर प्लस वन पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे ट्रिपल समेशन वन के लेस देन इक्वल टू आर प्लस वन पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के प्लस सो ऑन प्लस माइनस वन आर पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन। ये हमने डायरेक्टली कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ी सी इसमें हम करेंगे अरेंजमेंट, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसके। ओके, हमने लास्ट में फिर क्या लिखना है, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन, हेंस द मैथमेटिकल इंडक्शन वैलिड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू एन। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये जनरलाइज एडिशन थ्योरम समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी 9 बूल्स इन इक्वालिटी स्टेटमेंट है फॉर एनी एन इवेंट्स ए वन ए टू सो ऑन ए एन वी हैव। फर्स्ट है पी इंटरसेक्शन फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई greater than and equal to p a I minus n minus 1. Second hai p union I is equal to 1 to n a I less than and equal to summation I is equal to 1 to n p a I. Toh sabse pehle jo first humari condition hai isko hum prove karenge, uske baad mein ye karenge. Okay? सो स्टूडेंट, इसका प्रूफ है हमारा, हमने करना है फॉर एनी टू इवेंट्स, ओके, ए वन एंड ए टू। P A1 union A2 is equal to P A1 plus P A2 minus P A1 intersection A2 for any two events। हमने सबसे पहले two events लिए, हमें जो given है वो n नंबर्स ऑफ इवेंट्स गिवन है, लेकिन हमने सबसे पहले टू इवेंट्स लिए, इससे हमने ये फॉर्मूला बनाया यूनियन का। अब जो ये माइनस वाला पोर्शन है पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ये हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, और ये पी ए वन यूनियन ए टू वाला पोर्शन है ये इक्वल के राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जब हम इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का है, तो ये बन जाएगा प्लस का, पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो ये तो एज इट इज रहेंगे, पी ए वन प्लस पी ए टू, ये यहां पर पॉजिटिव है इक्वल के उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पी ए वन यूनियन ए टू से इक्वेशन नंबर वन। नाउ स्टूडेंट, बाय
axiom 1 of probability हमने क्या पढ़ा है कि PA is greater than and equal to 0 and less than and equal to 1. तो हमने जो ये वाला पोर्शन है हमारा इतना ये हमने पिक करना है यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा PA less than and equal to 1. इसको हम और कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, हम बोथ साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम बोथ साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा. ये क्या बन जाएगा, अभी ये लेस देन है, इसका साइन कन्वर्ट होके ग्रेटर देन बन जाएगा. माइनस पी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये ए है ये डिनोट कर रहा है इवेंट्स को, लेकिन हमने सबसे पहले टू इवेंट्स लिए हैं ए वन एंड ए टू. तो ए की जगह पर हम यहाँ पुट करेंगे ए वन यूनियन ए टू. ओके, हम लिखेंगे एंड इन पर्टिकुलर माइनस पी ए वन यूनियन ए टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन. ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, माइनस को रखेंगे माइनस, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे पी ए वन यूनियन ए टू का जो ये फॉर्मूला है पहला, ये सारा यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए पी ए वन प्लस पी ए टू माइनस पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू. ओके, तो इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया, यहां पर क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन. अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस पी ए वन माइनस पी ए टू माइनस माइनस प्लस पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन. अब हम बाकी पोर्शन आगे करते हैं. नाउ स्टूडेंट, हमारा ये बन गया, अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है. हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू को रखेंगे और बाकी पी ए वन पी ए टू को, मतलब माइनस पी ए वन माइनस पी ए टू को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू एज इट इज रखेंगे इसको हम इन अ लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पी ए वन को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बन जाएगा प्लस पी ए वन. सिमिलरली पी माइनस पी ए टू को हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस पी ए टू और ये माइनस वन एज इट इज रहेगा. ओके स्टूडेंट, से इक्वेशन नंबर टू. नाउ स्टूडेंट, हमने क्या लिखना है, द रिजल्ट देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू टू. ये हो गया हमारा स्टेप वन जितना भी था. अब हम आगे करेंगे स्टेप मान के, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टेप नहीं माना तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन जैसे आप चाहो तो स्टेप भी मान सकते हो. तो हम यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू आर. अब हमने क्या करना है कि जो हमें कंडीशन गिवन है इन अ क्वेश्चन, जहाँ पर n है वहाँ पर हमने r पुट करके एक इक्वेशन बनानी है जहाँ जहाँ n है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा p इंटरसेक्शन r i इज इक्वल टू वन a i इज इक्वल टू
am sorry, greater than and equal to summation r I is equal to 1 PAI minus r minus 1. Say equation number 3. Now, to prove the result is true for n is equal to r plus 1. Okay? अब हमने क्या करना है कि जो कंडीशन में इन अ क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन है वहां पर हमने n की जगह पर r प्लस 1 पुट करना है. तो ये हमारा क्या बनेगा, p इंटरसेक्शन r प्लस 1 i इज इक्वल टू 1 a i. इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं p क्लोज ब्रैकेट इंटरसेक्शन r I इज इक्वल टू 1 a I इंटरसेक्शन a r प्लस 1. ओके, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ओके यहां इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं r प्लस 1. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि यहां पर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का फॉर्मूला. ये हमारा a1 हो जाएगा और ये हमारा a2 हो जाएगा. तो इस पे हमने अप्लाई करना है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला. और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, हम कहां से अप्लाई करेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे बाय दिस मेथड a1 इंटरसेक्शन a2 ग्रेटर देन इक्वल टू pa1 प्लस pa2 माइनस 1. तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारा a1 है तो p इंटरसेक्शन r I इज इक्वल टू 1 a I, उसके बाद p a2 है प्लस pa2 तो p a r प्लस 1 एंड एट लास्ट माइनस 1. ये हमारा हो गया. अब हमने इसको ओपन करना है, इसको हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 में ये सेम चीज है, हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. हम यहां लिखते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा देखें, समेशन आर आई इज इक्वल टू 1 पी ए आई माइनस आर माइनस 1. ओके स्टूडेंट, और ये हम लिख लेंगे एज इट इज प्लस पी ए आर प्लस 1 माइनस 1. इतना हो गया, अब हम करते हैं आगे. सो स्टूडेंट हमारा ये बन गया, यहां तक हमारा हो गया. अब हमने क्या करना है, कुछ इसमें रीअरेंजमेंट करनी है. तो अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चलो देखते हैं. ये हमारा बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन आर प्लस 1 I is equal to 1 P AI. After adding this and this, it becomes summation I is equal to 1 to R plus 1 P AI. और ये जो पोर्शन है R minus 1 और minus 1, मतलब minus R minus 1 और minus 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले minus को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा minus R and plus 1. माइनस आर प्लस 1 और ये माइनस 1 एज इट इज रखेंगे हम, माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं. बाकी हमारा क्या रह गया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्लस 1 पी ए आई माइनस आर. ओके स्टूडेंट, इतना हमारा रह गया और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड. अब बाय जो हमने प्रूफ किया था कि टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर आर एन इज इक्वल टू आर प्लस 1, वो हमारा प्रूव हो चुका है. तो यहां हम लिखते हैं हेंस द रिजल्ट इज
true for n is equal to r plus 1 and by the mathematical induction, the result is true for all n belongs to natural number. So dear student, हमने जो हमें क्वेश्चन ने बोला जो हमारी कंडीशन थी वो हमें यहाँ लिख देनी है पी देयर फॉर पी एन आई इक्वल टू वन ए आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन एन आई इक्वल टू वन पी ए आई माइनस एन माइनस वन. सो ये हमने प्रूव कर लिया है. ओके अब हमने करना है जो इसका सेकंड पार्ट है अब हम वो करते हैं. ओके स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमने सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया है सेम वहीं से स्टार्ट करना है. फॉर एनी टू इवेंट्स ए वन एंड ए टू देयर फॉर पी ए वन union A2 is equal to P A1 plus P A2 minus P A1 intersection A2. P A1 intersection A2 is equal to P A1 plus P A2 माइनस पी ए वन यूनियन ए टू से इक्वेशन नंबर वन. नाउ बाय एक्सियम वन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है पी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन एंड इक्वल टू वन. तो हमने अब कौन सा पिक करना है हमने ये वाला पोर्शन पिक करना है जीरो वाला. ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा पी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है हमने क्या प्रूव करना है यूनियन. जब हमें इंटरसेक्शन प्रूव करना था तो यहाँ पर हमने यूनियन लिया था एक ही जगह पर जो हमने लिखा था ए वन यूनियन ए टू हमने इन अ फर्स्ट पार्ट. लेकिन अब हमने यूनियन प्रूव करना है तो हमने क्या लेना है इंटरसेक्शन. हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो. अब हमने ये जो फॉर्मूला है इंटरसेक्शन का बाय इक्वेशन नंबर वन ये हमने पुट कर देना है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा पी ए वन प्लस पी ए टू माइनस पी ए वन यूनियन ए टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट हम इसको उस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा पी ए वन यूनियन ए टू लेस देन एंड इक्वल टू पी ए वन प्लस पी ए टू से इक्वेशन नंबर टू. ओके इतना हो गया. नाउ स्टूडेंट हमारा इतना हो गया था अब हम लिखेंगे देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू टू. नाउ स्टूडेंट हमने करना है लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to r so that जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन और जहां जहां पर हमारा n है वहां पर हम r पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारा बन जाएगा that is p
union R, I is equal to 1, AI, less than and equal to summation R, I is equal to 1, P, AI, say equation number 3. Now student, हमने प्रूव करना है कि जो ये रिजल्ट है ये n इज इक्वल टू आर प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा. तो हम करते हैं टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन. ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां पर n है लेफ्ट हैंड साइड पे करना है और n की जगह पर हमने r प्लस वन पुट कर देना है. तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारा बन जाएगा डेट इज p यूनियन r प्लस वन i इज इक्वल टू वन ए आई. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू p यूनियन r I is equal to 1, A I union है तो यहां पर भी आएगा union A R plus 1. Okay student, अब इसको हमने open करना है और इसको हम open करेंगे by equation number 2. तो ये हमारा क्या बन जाएगा student, ये हमारा बन जाएगा less than and equal to P A 1 plus P A 2, क्योंकि यहां पर P A 1 union A 2 है. तो यहाँ पर A1 हमारा क्या है एक्चुअली, इस केस में जो इतना पोर्शन है यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा A1 है और ये A2 है. ओके, तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा PA1 क्या होगा, PA1 तो हमारा PA1 होगा P यूनियन R I इज इक्वल टू 1 AI प्लस P AR प्लस 1. इतना हो गया स्टूडेंट हमारा. अब हमने इसको ओपन करना है और इसको हम ओपन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, देखो ये और ये सेम है और यहाँ पर भी लेस देन है तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन समेशन आर आई इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू थी इसकी, ये तो रहेगा एज इट इज पी ए आर प्लस 1. अब जो बाकी का पार्ट है हम आगे करते हैं. सो स्टूडेंट, हमारा ये बन गया है. अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा एज इट इज पी यूनियन आर प्लस वन आई इज इक्वल टू 1 ए आई. ओके, लेस देन एंड इक्वल टू इसको और इसको हमने ऐड करना है तो ये हमारा बन जाएगा समेशन आर प्लस वन आई इज इक्वल टू 1 पी ए आई. अब हम लिखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो चुका है फोर एन इज इक्वल टू आर प्लस 1. तो हमने अब लिखना है हेंस द रिजल्ट is true for n is equal to r plus 1. Now student, हमें लिखना है therefore by mathematical induction the result is true for all n belongs to natural number. Therefore, P union n I is equal to 1 A I less than and equal to summation n I is equal to 1 P A I. Okay student, और यही हमने एक्चुअली प्रूव करना था. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं आगे. स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल्स,
4 white balls and 5 blue balls. एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली एक बॉक्स के अंदर से और उस बॉक्स के अंदर 6 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो जौन सी बॉल हम निकाल रहे हैं उसकी कि बॉल रेड हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, रेड और व्हाइट हो. ओके, तो उसका हम करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हमने लेट करना है स्टूडेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल. हमने लेट कर लिया कि एक ऐसा इवेंट है कि जब हम रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सिमिलरली लेट B be the event of drawing a white ball. B कैसा event है? जब हम एक white ball को निकाल रहे हैं. Similarly, C be the event of drawing a blue ball. ठीक है? जब हम ब्लू बॉल को निकाल रहे हैं रैंडमली तो वो क्या इवेंट? सी है. एंड एट लास्ट ए यूनियन बी, एक्चुअली रेड और वाइट है, हाँ, ए यूनियन बी, बी द इवेंट ड्रोना आइदर रेड ड्रोना आइदर रेड बॉल और व्हाइट बॉल. ओके, तो हमने लेट किया कि एक ऐसे इवेंट है जब हम रेड बॉल को निकाल रहे हैं, हमने उसका रेड बॉल की निकालने को हमने एक नाम दे दिया ए, व्हाइट बॉल का जो हम निकाल रहे हैं उस घटना को हमने नाम दे दिया बी, ब्लू बॉल को हम जो निकाल रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया सी, और आइदर रेड बॉल या व्हाइट बॉल, मतलब रेड भी हो सकती है या फिर व्हाइट भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता, आइदर रेड और व्हाइट बॉल, रेड भी हो सकती है या व्हाइट भी हो सकती है, तो उसका जो हमारा इवेंट है उसको हम नाम दे दिया ए यूनियन बी. सो स्टूडेंट इसकी हम करेंगे प्रोबेबिलिटी पता. फर्स्ट पी रेड बॉल, हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो इसको हमने माना है पी ए, रेड बॉल का जो इवेंट है उसको हम माना है ए, इज इक्वल टू. अब पहले सबसे पहले तो हमने देखना है कि बॉल्स कितनी है उस बॉक्स के अंदर. 6, 4, 5, 6, 4, 10, 10, 5, 15, टोटल बॉल कितनी है? 15. तो नीचे डिनोमिनेटर में होगा 15, ये तो हमें चल गया पता. ओके, उसके बाद जो रेड बॉल है वो है 6, तो ऊपर न्यूमिनेटर में होगा 6, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, 2, 6 या फिर 2, हाँ 2, 3, 6 एंड 3, 5 द एक्चुअली 5, 3, 15. ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड जो हमारा केस है पी वाइट बॉल, इज इक्वल टू पी बी, इज इक्वल टू जो टोटल बॉल हमारी कितनी है 15 और वाइट जो बॉल है हमारी वो कितनी है 4. ओके, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं. 3 पी ब्लू बॉल, सिमिलरली यहां पर भी पी सी. अब जो ब्लू बॉल है वो है 5, तो आएगा 5 अपॉन 15, 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15, इतना हो गया हमारा. अब जो लास्ट जो हमारा इवेंट है वो है पी रेड और व्हाइट, मतलब कि पी ए यूनियन बी. अब ये यूनियन है और यहां पर जो ए और बी है हमारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो हमने यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी
A intersection C, I'm sorry, P A intersection B. जब A और B events mutually exclusive हो तो P A intersection B क्या होता है? Zero. Okay? क्या होता है? Zero. इसको हम करते neglect करते हैं. तो ये हमारा formula बन गया P A union B, P A plus P B. तो यहाँ लिखते हैं P A plus P B. P A की value क्या है? 6/15. और PB की वैल्यू क्या है? 4/15. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10/15. दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, एग्जांपल सेकंड, द ऑड्स इन फेवर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ थ्री स्टूडेंट्स अपेयरिंग एट एग्जामिनेशन आर 1:2, 2:5 and 1:7 respectively. So odds in favor, तीन स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम में फर्स्ट आने की odds in favor है 1:2, 2:5 and 1:7. Find the probability that either of them stand first. तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि इन तीनों स्टूडेंट में से हरेक की जो फर्स्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो कितनी है. कोई एक आएगा तो उसकी हमने पता करनी है. तो ये होगा हमारा तीन स्टूडेंट है तो इसका हम करेंगे यूनियन पता. ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्यूशन. लेट ए बी सी डिनोट द इवेंट्स ऑफ events of standing first of three students respectively. So student, हमने events मान लिए तीनों student का, जो first आने की उनकी जो इवेंट है, संभावना है किसी एग्जाम में, तो वो हमने इवेंट्स उसके मान लिए ए बी सी. ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट का ए होगा इवेंट, जो फर्स्ट आएगा इन एग्जामिनेशन. सेकंड स्टूडेंट का बी होगा एंड थर्ड स्टूडेंट का सी होगा. देयरफॉर पी ए, तो हमारा क्या है ये पी ए 1:2, जो रेशो में ना डिनोमिनेटर में इसको हम ऐड करते हैं 1+2, 3 और ऊपर रखते हैं 1. सिमिलरली पी बी, यहाँ पर हमारा क्या है 2:5, तो 2+5, 7 इन अ डोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर में 2. पी सी इज इक्वल टू 1:7 है तो 1+7, 8 और ऊपर रखेंगे 1. ओके स्टूडेंट, अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? Required probability either of them first stand examination, so student, is equal to P A union B union C, and this is equal to P A plus PB plus PC. Here A, B and C are mutually exclusive events, so that यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे पी ए की. दिस इज 1/3 प्लस 2/7 प्लस 1/8. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 56 प्लस 48 प्लस 21 एंड इन डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 168 और ये हमारा इक्वल बन जाएगा किसके स्टूडेंट, ऊपर सबको हम ऐड कर देंगे 56 प्लस 48 प्लस 21 ये हमारा होगा 125 के इक्वल और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में है 168. तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो ये आ जाएगा. ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है
तो इनर डिस्क्रिप्शन हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक देंगे, तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर मेल के थ्रू भी पूछ सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछो, क्योंकि हम वहाँ पर ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं और वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स की फ़ोटो कैप्चर करके भी सेंड कर सकते हो ताकि आपको ईजी हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।